मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए, हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। उन्होंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, सिंचाई समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह लंबित कार्यों को समय पर पूरा करें। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खनन में हो रही देरी को लेकर कहा कि गोला खनन की अवधि जल्द खत्म हो रही थी, जिस पर उनके द्वारा खनन अवधि बढ़ाने को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया है, जिसके पश्चात वन एवं पर्यावरण मंत्री ने गोला नदी में खनन की अवधि को बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत कुमाऊं की सभी नदियां, जिसमें गोला, शारदा, दबका और कोसी नदी में खनन की अवधि को बढ़ाया गया है। साथ ही प्रदेश में एक समान रॉयल्टी भी लागू कर दी गई है। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलंब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े, इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है, इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है, उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के, हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने तत्काल जो हमारी 23 तारीख को गोला की जो अवधि है वो समाप्त हो रही थी और वहाँ पर बैठक भी नहीं हो पाई, हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसके साथ साथ सभी नदियाँ जो गोला है, कोसी है, दाबका है, शारदा है, चारों को बढ़ाया है और आगे भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि आगे भी हमारा बढ़ा दिया जाए, आगे आने वाले वर्षों के लिए भी उसको विस्तारित कर दिया जाए। और साथ ही एक रॉयल्टी का मामला जो लंबे समय से चल रहा था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले से लोगों की मांग रही है, उस मामले में भी एक समान रॉयल्टी का आदेश हमने किया है, हमारी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इसमें खनन जो हमारा यहाँ का व्यवसाय भी है और हजारों हजार लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार देने का काम करता है, हमारी सरकार और हम चाहते हैं कि उन सब खनन से लगे हुए लोगों को रोज़गार हो। साथ ही में हमारे यहाँ का एक बड़ा राजस्व प्राप्ति का भी साधन है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हमारा प्रयास होगा कि ये जल्दी से काम हो सके।